महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा न कर सके उनकी अवहेलना करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है तीन खेती विरोधी काले कानूनों ने मोदी सरकार के मुखोटे को उतार दिया है और देश के बासठ करोड़ किसानों और खेत मजदूरों की अवहेलना विडंबना सरकार का अहंकार तो देखिए देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में चुनावी रैली करने तो जा सकते हैं पर पर वो दिल्ली के बॉर्डर पर पंद्रह किलोमीटर दूर जाकर देश के लाखों किसानों से बात नहीं कर सकते हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर लाखों किसानों को जो दिल्ली के चारों तरफ अपनी रोजी रोटी मांगने के लिए करहा रहे हैं उन्हें आतंकी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके मुख्य प्रवक्ता अमित मालविया लाखों किसानों को जो अपना अधिकार मांगने आए हैं उनको आतंकी और खालिस्तानी बताते हैं मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार मिलकर शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से अधिकार मांगने वाले किसानों पर बारह हजार मुकदमे दर्ज कर लेती है देश के कृषि मंत्री और देश के गृह मंत्री यह तारीख रख देते हैं कि चिलचिलाती सर्दी के ठिठुरती सर्दी के अंदर सड़कों पर बैठे लाखों किसानों से तीन दिसंबर तक बातचीत भी नहीं होगी देश के गृहमंत्री देश के कृषि मंत्री के पास पांच पांच दिन तक अहंकारी सरकार के दरवाजे पर दस्खत देकर अधिकार और रोटी मांगने वाले किसान के लिए समय नहीं है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हद ही कर दी गृहमंत्री और कृषि मंत्री किसानों से वार्तालाप का स्वांग करते हैं और आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को सही ठहराते हैं जब देश का मुखिया जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ही इन तीन काले कानूनों के समर्थन में आ खड़े होंगे तो बातचीत किससे होगी कैसे होगी और उस बातचीत का फायदा क्या होगा दोस्तों साथियों असल में मोदी सरकार का मूल मंत्र है किसानों का शोषण पूंजीपतियों का पोषण किसानों का दमन पूंजीपतियों को नमन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में अन्नपूर्णा माता की चर्चा की मोदी जी क्या अन्नपूर्णा की देवी आज कराह नहीं रही होगी जब अपने लाखों करोड़ों देश के बासठ करोड़ उसके बच्चों किसानों और मजदूरों को सड़कों पर हाहाकार करते हुए देख रही होगी सच्चाई ये है साथियों कि मोदी सरकार पूंजीपत मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पैर पूजने वाली मोदी सरकार 20 से 25 लाख करोड़ के कृषि उपज के व्यापार और कारोबार को चार या पांच पूंजीपतियों की गोदी में सौंप देना चाहती है छोटे छोटे दुकानदारों आड़तियों मजदूरों बटाईदारों कामगारों और किसानों के पेट पर लात मारना चाहती है मोदी जी देश के किसानों द्वारा उठाई जा रही सीधे सीधे छह सरल बातों का जवाब देश आपसे मांगता है और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वो हम आपके समक्ष रखते हैं जवाब दीजिए नंबर एक समर्थन मूल्य की समाप्ति के षड्यंत्र का मोदी सरकार ने अनाज मंडियों को खत्म करने का कानून बनाया है अगर अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य पर किसान का अनाज खरीदेगा कौन क्या मोदी सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पंद्रह करोड़ किसानों के खेत से फसल खरीदने जाएंगे यह अपने आप में संभव है जब समर्थन मूल्य कोई देगा ही नहीं जो अनाज मंडी में मिलता है तो फिर एमएसपी यानी समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे देगा कौन और मिलेगा कहां किसान इस बात का जवाब मांगता है दूसरा सवाल जमाखोरों को खुली छूट क्यों दे दी इस काले कानूनों में मोदी सरकार ने काला बाजारियों और जमा खोरों को असीमित मात्रा में खाने पीने की वस्तुओं का भंडारण करने की ताकत दे दी है यानी अब असेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू नहीं होगा जो जितना चाहे दालें सब्जियां प्याज गेहूं धान बाजरा सरसों जो उनका भंडारण कर सकता है जब किसान की फसल बाजार में आएगी तो ओने पोने दामों पर खरीदी जाएगी और बड़े बड़े धन्ना सेठ काला बाजारी और जमाखोर उसका भंडारण कर आम जनमानस को अपने मन मर्जी के दामों पर उसे बेचेंगे सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी ऐसा क्यों तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी आप एक देश और एक बाजार का सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल जाकर बेच सकता है पर छियासी प्रतिशत देश के किसान के पास तो पांच एकड़ से कम जमीन है उसमें भी ८० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास दो एकड़ जमीन है वो अपने जिले से बाहर फसल बेचने में सक्षम नहीं वो अपनी फसल मंडी तक ले जाकर बेचने में सक्षम नहीं वो दूसरे राज्यों में कैसे बेचेगा जवाब सीधा है धन्ना सेठ काला बाजार काला बाजारी और जमाखोर उसकी फसल होने पोने दामों पर खरीदेंगे और फिर पूरे देश में जहां मर्जी हो वहां बेचेंगे चौथा मोदी जी आपने खेती को पूंजीपतियों के हवाले क्यों कर दिया मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाकर एक नई किस्म की जमात जम, जमीदारी प्रथा की शुरुआत की है यानी छियासी प्रतिशत जो छोटे किसान हैं वो खुद के खेत में ही मजदूर बन जाएंगे और कंपनियां उनकी मालिक बन जाएंगी और ना वो उनसे लड़ पाएंगे और ना वो उनसे मुकदमा जीत पाएंगे 20 से 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार खेती की उपज का कारोबार मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला जाएगा ऐसा क्यों पांचवा गरीब की राशन प्रणाली पर प्रहार क्यों किया और मंडियों के आड़ती मजदूर और कर्मचारियों को बेरोजगार क्यों किया जब समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा ही नहीं जाएगा तो भोजन के अधिकार कानून में छियासी करोड़ देशवासियों को राशन की दुकान पर राशन मिलेगा कैसे और देगा कौन और यही नहीं लाखों करोड़ों लोग मंडियों में ट्रांसपोर्टर आड़ती दुकानदार कर्मचारी मजदूर इन सब का काम करते हैं उनके रोटी और रोजगार का क्या होगा और छठा और आखिरी खेत मजदूर और बटाईदार का भविष्य अंधकार में क्यों कर दिया इन तीनों काले कानूनों में कहीं भी खेत मजदूर और बटाईदार शब्द की चर्चा भी नहीं वो कहां जाएंगे और आज मोदी जी ने इन तीन काले कानूनों की चर्चा करते हुए इन्हें सही ठहराते हुए मन की बात में मक्का की फसल की चर्चा कर डाली आइए जानते हैं मक्का के किसान की हकीकत क्या है देश में मक्का पैदा करने वाला किसान बदहाली के आंसू बहा रहा है मक्का का समर्थन मूल्य है 1850 रुपया क्विंटल पर आप बिहार के सीमांचल से मध्य प्रदेश तक चले जाइए किसान को मिला 800 रुपया क्विंटल साढ़े अठारह रुपया क्विंटल की बजाय मध्य प्रदेश से बिहार तक उत्तर प्रदेश में हरियाणा और पंजाब में किसान गुहार लगाते रहे पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी एक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार मक्का के दाम गिराती रही और हद तो यह देख लिए देख लीजिए कि मोदी सरकार ने विदेशों से मक्का की फसल की इंपोर्ट ड्यूटी और चौंकी मत मोदी जी ने विदेशों से मक्का के इंपोर्ट की जो ड्यूटी है उसे 50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया और 5 लाख मीट्रिक टन सस्ता मक्का विदेश से मंगा लिया जब देश के किसान का मक्का बाजार में आ रहा था इस प्रकार से पूंजीपतियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया जा रहा है हमारी सीधा कहना है मोदी जी किसानों के साथ छल कपट और षड्यंत्र करना बंद कीजिए और पूर्वाग्रह छोड़ इन तीन खेती विरोधी काले कानूनों को खत्म करने के लिए सीधे मन से बात कीजिए हम हमारी मांग है नंबर एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को फौरी तौर से सस्पेंड करने की घोषणा करें नंबर दो किसानों के खिलाफ दर्ज बारह हजार एफ बगैर शर्त के फौरी तौर से वापस लेने की घोषणा करें नंबर तीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो उन्होंने आज मन की बात में इन तीन काले कानूनों को सही बताते हुए कहा उसके लिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को आतंकी बताने के लिए सार्वजनिक तौर से अपना बयान वापिस लेते हुए माफी मांगे नंबर चार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं लाखों किसान जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं उनके प्रतिनिधि मंडल से बात करें श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आश्वस्त हैं कि मोदी सरकार के अहंकार को हराकर हम किसानों की आजीविका को सुनिश्चित करेंगे कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है प्राइम मिनिस्टर्स ऑब्ड्यूरेसी प्राइम मिनिस्टर्स एरोगेंस Prime Minister's rigidity in dealing with 62 crore farmers and farm laborers of India is writ large by his insistence today in the monkey bath that the three anti-farmer, anti-agriculture laws, forcibly passed in an illegal and unconstitutional fashion by Parliament, are correct. For Prime Minister to say that these three laws are absolutely right, when lakhs and lakhs of farmers are sitting all around Delhi, agitating, demanding their withdrawal, shows that that Modi government is drunk with power, and Prime Minister Shri Narendra Modi does not care about the welfare of farmers and farm labourers of India. It shows it shows that a government drunk with power is rigid even in recontemplating and reconsidering the three anti agriculture black laws if home minister of india has time to travel 1200 kilometers to address a public meeting in hyderabad why does shri amit shah not have time to go 15 kilometers to the border of delhi and speak to the agitating farmers why is it that agriculture minister has taken out a date of 3rd december before which no conversation can be held have they consulted an astrologer for this purpose what is the sanctity of 3rd december why have 12,000 FIRs been lodged on the farmers? Why is it that no conversation is taking place, no dialogue is taking place with the farmers? Why are India's Anadatta, India's 62 crore farmers, being branded as terrorists by Modi government as also the BJP chief ministers? Why is it that select news channels aided and abetted by modi government are out to prove that 62 crore farmers are anti-national. does this not show an absolute arrogance of power on part of prime minister and his government? i don't think so. that is correct at all. our pcc president, our clp leaders, our in-charges are all on the ground fighting the election. And uh, our units have always fought corporation elections to the best of their capacity and capability. And we are confident that people will accept uh, an elect Congress party in Hyderabad, which is the principal opposition party and which carved out the state of Telangana when BJP was opposing the carving out of the state of Telangana itself. The three anti agricultural laws have opened an opportunity for four or five crony capitalist friends of the Prime Minister to grab the 20 25 lakh crore agriculture commodities market by subverting and subjugating the interest of farmers, farm laborers, the small uh, grain merchants the uh, laborer work and the employees working in the grain markets across india it tantamounts to finishing forever the minimum support price mechanism which will be a death knell for the interest of the farmer so prime minister wants to barter the interest of 62 crore farmers at the altar of four or five capitalist friends office and ensure that twenty to twenty-five lakh crore commodity market is now controlled by his four or five crony capitalist friends. But Prime Minister has bitten more than he can chew, for he does not realize that when sixty-two crore farmers rise in unison, the Delhi Darbar will be unseated. And that is not a warning, that's a challenge to the Prime Minister. थैंक यू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में कृषि विरोधी काले कानूनों को सही बताते हैं और देश के गृहमंत्री अमित शाह जी किसानों के पास पंद्रह किलोमीटर चलकर जाने से भी कतराते हैं अमित शाह जी के पास 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में चुनावी सभा तक जाने के लिए समय है पर ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर पड़े करहाते इस देश की माटी के सपूतों अन्नदाता किसानों से मिलने का समय नहीं किसानों से बॉर्डर पर जाकर बात क्यों नहीं की जा सकती थी बुराड़ी में ऐसा क्या है जो शंभू बॉर्डर पर नहीं हो सकता ये दर्शाता है और तीन दिसंबर का कौन सा मुहूर्त है बातचीत करने का क्या किसी किसी जोतशी से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने तीन दिसंबर की तारीख निकलवाई है वार्तालाप के लिए यह दर्शाता है कि मोदी सरकार अहंकार में डूबी है सत्ता के नशे में चूर है और 20 से 25 लाख करोड़ के कृषि कारोबार को किसान की रोटी छीन मजदूर के पेट पर लात मार छोटे व्यापारी और आड़ती का धंधा खत्म कर मंडी में काम करने वाले मजदूर की रोटी छीन ट्रांसपोर्टर का व्यापार छीन कर्मचारी का रोजगार छीन वो 25 लाख करोड़ के व्यापार को पांच अपने दोस्तों को सौंपना चाहते हैं यह देश की खेती का अपमान है देश के किसान का अपमान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं और ये कभी स्वीकार नहीं होगा वो ये जान लें इसे चेतावनी मान लें कि जिसने भी देश के बासठ करोड़ किसानों से जब जब दिल्ली के दरबार ने लोहा लिया है तो उस दरबार का तख्ता पलट हुआ है और मोदी जी अब की बार लगता है कि बारी आपकी है लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें